सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सब लोग तो मुझे जानते ही हो कि मेरा नाम छोटू है। तो मैंने सोचा कि मेरा सबसे पहले वाला घर कौन सा था। तो आप सब लोगों की कमेंट आ रही थी कि सबको दिखाओ, वो तो मैं आगे दिखा दूंगा आपको। बट अभी मैं मेरे फार्म हाउस पर आया हूँ जहाँ से मेरे सब कुछ स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा नाम वो सब बता दूँ कि तो मेरा नाम है छोटू, आप सब लोग जानते हो, एंड रियल नेम है रौनक सुमरा। जी हाँ, और मैं अकेला हूँ, मेरी एक छोटी बहन है और बस हम दोनों भाई बहन ही है। तो छोटी बहन है वो मेरे से करीब 5-6 साल छोटी है। तो मैं करीब 5-6 दिनों से सोच रहा था कि मैं अपना होम टूर करूँ, बट अभी मुझे टाइम मिला, दोपहर के 2-3 बजे है। मैंने सोचा व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं यहाँ से। एंड 2 दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। तो मैंने सोचा कि चलो फार्म हाउस पर चलते हैं, वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि मेरे फार्म हाउस पर क्या है, कैसे वहाँ पर मैं रहता था, तो वो मकान कैसे है। एंड वहाँ पर हमारी 2-3 गाड़ियाँ भी पड़ी हुई है, तो वहाँ पर जाते हैं और मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको मेरा घर दिखाना चाहता हूँ, जो पहले कैसा था और अभी कैसा है मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। अभी तो यहाँ पर हम कोई नहीं रहते, हम सिटी में रहते हैं। तो जब से मैं छोटा था मुझे करीब थोड़ा थोड़ा याद है कि हम यहाँ पर रहते थे, ऐसा था। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि यहाँ पर मेरा होम कैसा है। तो सबसे पहले आप देख ही सकते हो कि एक ये छोटी सी अब वॉल है, एंड इतना सही हमारा एक ही रूम है। आप देख ही लो, एक रूम था, ये पहले के टाइम में था, अभी तो नहीं, हम यहाँ पर कोई नहीं रहते। ये आप देख लो, मैंने सोचा कि आपको दिखाया जाए। ये देख लो, अभी तो पूरा ख़त्म हो चुका है। ये किचन है पहले का टाइम का हमारा, वहाँ पर टीवी स्टैंड है, वहाँ पर टीवी रहती थी। एंड ये 2 छोटी छोटी खिड़कियाँ आप देख लो। अभी तो यहाँ पर लकड़ियाँ ये सब छोड़ दिया है हमने। तो अभी मैं आपको मेरा फार्म हाउस दिखाने चाहता हूँ। एंड ये मेरी बाइक है, आप देख लो, XS 125। ये मैंने कल ही ली है, नहीं इन दो नहीं है, पूरा नहीं है, थोड़ी करीब 1 साल चली हुई है ये। करीब मैंने कल ली 45,000 की, या हाँ, तो ये कल मैंने 45,000 के लिए, अब देख ही लो ये। एंड यहाँ पर ये गन्ना है, ये गन्ना अभी खेत में, तो गाइस ये आप जो झाड़ देख रहे हो वो कोई झाड़ नहीं है, बट ये गन्ने का झाड़ है। आप देख लो, यहाँ पर गन्ना बोया हुआ है। एंड ऐसा कुछ हमारा खेत का रास्ता है, आप देख ही लो। मैं मेरी बाइक लाना तो भूल ही गया यार, सबसे पहले अपनी बाइक लेकर आते हैं, उसके बाद जाते हैं खेत की ओर, ठीक है गाइस। तो अभी यहाँ से मैं निकल चुका हूँ मेरे खेत की ओर, वहाँ पर जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर कैसा है सब कुछ। एंड यहाँ से हमारे फार्म हाउस की स्टार्टिंग होती है, आप देख लो एक बार, मैं आपको दिखा दूँ ठीक से। ये देख लो आप, ऐसा कुछ हमारा फार्म हाउस है। यहाँ पर हमने झाड़ पेड़ पौधे सब कुछ लगाया हुआ है, आप देख ही लो गाइस। तो ये मेरे अंकल की गाड़ी है, आप देख लो। एंड यहाँ पर ये 2 खेत हम भी हमने थोड़े टाइम में ही बनाए हुए हैं, आप देख लो। एंड एक बात मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये देख लो आप, ये हमने जुगाड़ करके बनाया हुआ है।
ये एक आप इंजन बोल सकते हो, छोटा सा है एक इंजन। एंड ये जो आप देख सकते हो, ये हमने कहीं से भी कूड़े में से लेकर आए और यहाँ पर डाल के ऐसा ट्रैक्टर बना दिया। एंड वो देखो उनकी आवाज़ सुनना एक बार। देख लो कितनी चिल्लाती है यार ये भैंस। एंड एक ये है, ये कुछ हमें देख लो पहले में ही। ये हमने रखा है पौधों को पानी देने के लिए और वो सब करने के लिए। एंड दूसरे भी कई काम में हम लेते हैं इसको। हमारे पास बड़ा ट्रैक्टर तो नहीं है अभी, मैं आपको थोड़ा सा और दिखा दूँ। थोड़ा सा आपको, मेरे पास अभी माइक नहीं है तो साउंड का प्रॉब्लम आएगा। एंड ये आप देख लो ये किसका झाड़ है, मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपको फल दिखा दूँ एक बार इसका। अरे यार इसका फल कहाँ पर है, ये रहा। ये क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ। देख लो ये। एंड यहाँ पर आए तो ये आप देख लो, ये एक छोटी सी मकान टाइप बनाया हुआ है। मैं आपको अंदर से भी दिखा दूँ इसमें क्या हम रखते हैं। ये देख लो यहाँ पर लाइटिंग का सब कुछ काम रखा जाता है। ये जो हम पानी की मोटर रखते हैं बड़ी वाली, उसका स्टार्टर है ये आप देख लो, इतना बड़ा होता है। 3 फेज है, एंड RPM मीटर वो सब ये देख लो। एंड ये बड़ा वाला स्टार्टर है, ये आप जो देख रहे हो ये मुझे मालूम है, ये जो रिवर है हमारे बाजू में उसका स्टार्टर है। एंड ये जो बोरवेल हम करते हैं उसके अंदर जो मोटर डालते हैं उसका स्टार्टर है। एंड ये कुछ खेत के सामान औजार वगैरह पड़े हुए हैं, यहाँ पर वायर सब कुछ है। एंड ये मीटर है बिजली का, देख लो ऐसा कुछ बिजली का मीटर है हमारे यहाँ। चलो तो यहाँ से जाते हैं, यहाँ पर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ लगता है अभी थोड़े टाइम में। एंड यहाँ पर किसी ने घोंसला बनाया हुआ है आप देख लो, ये हैंड पंप है। एक यहाँ पर हल भी रखा हुआ है आप देख लो, इतना बड़ा हल है। एंड ये खेत अभी कुछ इसमें बोया हुआ नहीं है, बोएंगे तो उसके बाद हम फिर से यहाँ पर आएंगे। एंड ये हमारा मकान है आप देख लो, मैंने जो आपको पहले दिखाया वहाँ पर हम पहले रहते थे। एंड अभी तो यहाँ पर कोई नहीं रहता, मेरे दादा दादी यहाँ पर दोपहर को आते हैं और शाम को चले जाते हैं। एंड यहाँ पर बैठने के लिए ये सब लगाया हुआ है आप देख लो। यहाँ पर आप एक बार आओगे तो आपको जाने का मन ही नहीं करेगा गाइस, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा आती है ये पेड़ पौधों की वजह से। आप देख लो कितने घना है ये झाड़, ये नीम का पेड़ है, ये सब कुछ नीम का है। और ये इमली का पेड़ है आप जो देख सकते हो, ये जो आप झाड़ देख रहे हो ये नीम का इमली का झाड़ है। एंड ये झाड़ जो आप देख रहे हो ये वाला, ये दोनों ये जामुन के झाड़ है गाइस। तो आपने ये सब कुछ देख लिया हमारा खेत कैसा है ये सब कुछ। अभी चलते हैं हम अंदर की साइड और आपको दिखाते हैं वहाँ पर कैसा है, ठीक है। एंड कोई आपके मन में चैलेंज हो या फिर कोई ऐसी गेम जिस ऐसी कोई झोले छुपा सके तो वैसा मुझे कमेंट करके बताओ आप कि हाँ हमारे ध्यान में है, या फिर कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आप ये वाला टॉपिक पर वीडियो बनाओ, ठीक है। वैसे तो अभी ऊपर की साइड जाते हैं और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर कैसा व्यू है। ये दिविला बोया हुआ है एंड वहाँ पर आप जो देख रहे हो वहाँ पर अभी बेल चल रही है। हाँ गाइस तो ये हमारी जो फार्म हाउस है ऊपर, इसके ऊपर का व्यू है आप देख लो। एंड ऐसा हमारा फार्म हाउस है,
यहाँ पर ये बनाया हुआ है हमने, कुछ सामान रखने के लिए खेत का ही नहीं है। मैं आपको दिखाऊँ, हाँ देख लो ये कोकोनट है, अभी अभी उसमें से तोड़कर मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने दिया। एंड ये जामुन का पेड़ है गैस, तो ये औजार आप देख सकते हो, ये खेती बाड़ी में काम आते हैं। ये आप देख लो, ये छोटा सा ये काम में लिया जाता है। अब मैं तो इसका नाम भी भूल गया अभी, क्या है, आपको इसका नाम आता हो तो कमेंट करके बताओ। ये दो आदमियों से खींचा जाता है, ये सब कुछ खेत के औजार है सब कुछ, आप देख लो हमारे फार्म हाउस के ऊपर ही इसको रखा जाता है। एंड यहाँ से इसका ऐसा कुछ व्यू आता है, आप देख लो मैं आपको हमारा खेत दिखा दूँ कि हमारे पास कितने एकड़ खेत है, करीब 35 एकड़ खेत है। इसमें एक ये वाला आ जाता है जो आप ये बाउंड्री वॉल के देख रहे हो, ये सब कुछ हमारे इलाके में है, आप देख लो। एंड ये वाला एक खेत है, ये आप जो यहाँ पर मेरी उंगली जा रही है वहाँ तक है, उसके बाद दूसरे मेरे अंकल का है। एंड वो जो आपको सामने दिखाई दे रहे वो वाइट शर्ट वाले, वो मेरे अंकल है, देख लो गैस। तो ऐसा कुछ हमारे खेत का रास्ता है, आप देख ही सकते हो, यहाँ से हम हमारे खेत की ओर जाते हैं। मैं आपको मेरा खेत दिखाता हूँ, ये रास्ता देख लो, आपको ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा होगा कि इस पर कैसे गाड़ी चलाए सब कुछ। अभी यहाँ से हम खेत की तरफ जाते हैं और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब लोग मेरे फैमिली के ही खेत है, बट वो अंकल के होते हैं सब, हमारे जान पहचान वाले के सब कुछ यहाँ पर खेत है उनके, ये आप देख ही सकते हो गैस। तो आप देख ही सकते हो कि ये वाला खेत हमारे है, आप देख लो ये सब कुछ वहाँ तक, आप जो देख सकते हो वहाँ तक हमारा खेत है। ये दिवेला बोया हुआ है, आप देख लो ऐसा कुछ झाड़ है, एंड इसको बोलते हैं सोयाबीन, हमारे यहाँ तो सोयाबीन बोलते हैं, आपके यहाँ पर क्या बोलते होगे। ऐसा कुछ झाड़ होता है, ये कुछ काम में लिया जाता है, हमें तो कुछ मालूम नहीं है। मैं करीब यहाँ से करीब 5-6 महीने पहले आया था खेत पर, अभी आज आया हूँ, आप देख लो, मैंने तो आज देखा कि ऐसा है हमारा खेत। गैस तो आपको मेरा खेत मेरा फार्म हाउस देखने को आपको मज़ा आया होगा, तो मज़ा आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो। और मैं कुछ सोच रहा हूँ मेरे होम टूर का, तो वो भी आप कमेंट करके बताओ कि बनाऊँ नहीं बनाऊँ, अभी मैं कहाँ पर रहता हूँ, वो सब कुछ मेरे करियर के बारे में मैं सब कुछ आपको बताऊँगा। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो कि आपको अगले वाला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। तो चलो अभी दूसरे वाले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।